हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस मोटिवेशनल चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेन वर्मा। और मैं हूं आपका दोस्त एंकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर धर्मेन वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक पर। यदि आप परीक्षा में असफल हो जाए तो आप क्या है कि हताश और निराश हो जाते हैं। तो आप हताश और निराश ना होइए, और बल्कि आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो आप प्लीज शुरू से लेकर एंड तक इस पूरे वीडियो को देखिए। जब भी कभी आप अगर किसी परीक्षा में असफल हुए हैं या हो जाते हैं, तो मेरी एक बात याद रखना दोस्तों कि आप अपने दिल से पूछना, आप सिर्फ इस परीक्षा में फेल हुए, आप सिर्फ इस परीक्षा में फेल हुए हैं, ना कि आपके जीवन में। अभी भी आपके लिए पूरा जीवन पड़ा है, आपके लिए बहुत कुछ पड़ा है, अभी आपको बहुत बड़ा और बहुत कुछ करना है आपके जीवन में। आप इतनी जल्दी हताश और निराश मत हुई। आपने सिर्फ एक परीक्षा में आप असफल हुए हैं, फेल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पूरे जीवन में ही फेल हो गए। इसलिए प्लीज आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप परीक्षा में फेल हो गए और अब आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप इन फ्यूचर इससे भी कुछ बेस्ट और इससे भी बड़ा कर दे, लेकिन उसके लिए आपको इस सारी चीजों को भुला करके पॉजिटिव थिंक लेकर के फिर से आगे बढ़ना होगा, फिर से तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। यदि हम जब किताब पढ़ते हैं तो किताब में बीच में एक पेज यदि खाली आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या पूरी किताब पढ़ना बंद कर देंगे या किताब को फाड़ कर फेंक देंगे या फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, बताइए? नहीं, सोचिए आप उस खाली पेज को छोड़ देंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो क्यों ना हम भी इस जीवन रूपी किताब में अगर असफलता रूपी एक खाली पेज आ जाए, दो पेज आ जाए, तो उनको पीछे छोड़ते हुए, धकेलते हुए क्यों ना हम फिर से एक नए जोश के साथ आगे बढ़े। और फिर से आप अपने जो लक्ष्य है, अपना आपकी जो मंजिल है, आपने जो अपना मुकाम बना रखा है, उसके लिए खुद को नए तरीके से प्रिपेयर करते हुए, क्या कमी रह गई कि आपको जो असफलता मिली है, क्या कमी थी, उस कमी को पूरी करते हुए और फिर से आपको एक नए जोश के साथ फिर से तैयारी चालू करनी है और अपने उस लक्ष्य को दिलो दिमाग में रखते हुए फिर से आगे बढ़ना है, फिर से आगे बढ़ना है दोस्तों। दूसरी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब बहुत पीछे रह गए, आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हताश और निराश हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपकी किस्मत में, हो सकता है आपके भाग्य में, आपकी तकदीर में इससे भी कुछ बड़ा और इससे भी कुछ बढ़िया, इससे भी बेस्ट लिखा हुआ हो। इसलिए आप इस चीज को भूल जाइए कि ये असफलता मेरा पूरा जीवन ही असफल हो गया है, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि हो सकता है इससे भी बेस्ट और इससे भी बड़ा इन फ्यूचर आपके जीवन में होने वाला हो। इसलिए आप इस असफलता को सिर्फ और सिर्फ एक सबक मानते हुए और इससे जो अब तक जो कमी रही, उन कमियों को पूरी करते हुए, उन सबक जो सबक आपने लिया उसे सीखते हुए फिर से आपको नई तैयारी के साथ आगे बढ़ना है और फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप लगातार कई परीक्षा में फेल होते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, कई परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, तो कई परीक्षाओं में फेल होने के बाद उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि यार मैं जिस भी एग्जाम में बैठता हूं मैं फेल होता हूं, मैं किसी एग्जाम में पास नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि थॉमस अल्वा जो एडिशन का नाम आपने सुना है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, 999 बार वो असफल हुए। लेकिन क्या वो भी ये सोच लेते कि 999 बार में असफल हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आज वो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो पाता, क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 999 बार असफल होने के बाद भी अपनी जिद और अपना जुनून नहीं छोड़ा और लक्ष्य के पीछे निरंतर लगे रहे। और 1000वीं बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया साथियों, और हजारों लाखों करोड़ों यानी कि पूरी दुनिया के जीवन में उन्होंने रोशनी फैला दी। तो ये कम बात नहीं है। राइट ब्रदर्स का नाम आपने सुना है, लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया कि ये हवाई जहाज बनाएंगे, हवा में उड़ाएंगे। अरे इंसान तो सिर्फ जमीन पर चलने के लिए पैदा हुआ है और ये हवा में उड़ाएंगे, काफी मजाक उड़ाया गया उनका। लेकिन आज इतिहास में उनका नाम दर्ज है, और किस लिए है ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं साथियों। और इसी तरह अब्राहम लिंकन इतने चुनावों में हारे, उनके जीवन में इतने चुनाव लड़े और हर चुनाव में उनको हार मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और एक वक्त ऐसा आया जब लास्ट में वो अब्राहम लिंकन एक अश्वेत बालक
अमेरिका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना। जी हाँ दोस्तों, इतिहास वही रास्ते हैं जिनमें कुछ करने का जुनून और जज्बा होता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक ना रुकते हैं ना झुकते हैं, और बिना रुके बिना झुके भी लगातार निरंतर अपने अदम्य साहस और क्षमता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये जग ये संसार जिस पर हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है, और संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया उसके साथ हो जाती है। और एक और बात यहाँ पर कहना चाहूंगा मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी असफलताएं आए, बहुत सारी समस्याएं आए, परेशानी आए, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि याद रखना अच्छा रोल मुश्किल रोल हमेशा अच्छे कलाकार को मिलता है। तो आप भी उस ईश्वर की ये जो यहाँ पर जो रंगमंच है, इस रंगमंच पे आप एक अच्छे कलाकार के रूप में उनके सामने हैं, और आपको एक कठिन रोल आपको दिया गया है, तो उस रोल को जिम्मेदारी के साथ अपने पूरे जुनून के साथ आप निभाइए। यकीन मानिए, रोल निभाने के बाद जो आपको ईश्वर की तरफ से जो पारितोषिक मिलेगा वो भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही सुंदर होगा, उतना ही शानदार होगा। और वैसे कहा भी गया है कि संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी ही शानदार होती है। इसलिए साथियों, आप घबराइए नहीं, अगर आप किसी भी परीक्षा में सफल होते हैं, फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बताऊंगा, बाकी फिर आगे और मेरे अभी और वीडियो आएंगे, उनको भी आप लगातार देखते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, यकीन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा निश्चित रूप से। और जाते जाते मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि हदें तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर बन सकती है, हौसला रख अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है, तकदीर किसी भी रोज बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आप सभी को, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।